hello students today we are going to teach amalgamation of companies according to as 14 as 14 means accounting standard 14 so what is amalgamation in simple words amalgamation means partnership of two or more companies it's called amalgamation or closing of existing company which is taken over by acquiring company acquiring company Closing of, uh, closing of existing company means the company which are already exist in the market and going to vendor or dissolve it's called closing company and acquiring company is the company who are going to purchase another's business or take over another's business it's called acquiring company the so main reasons are to break competition this is the first reason ब्रेक कंपटीशन, यस अगर कोई दो कंपनीज हैं और वो एक ही जैसा प्रोडक्ट बेचते हैं और एक दूसरे को कॉम्पीट करते हैं और फिर उन्होंने सोचा कि एक दूसरे को कॉम्पीट करने कर के क्या फ़ायदा उससे अच्छा था हम शेक हैंड कर लेते हैं और एक साथ आ जाते हैं एक साथ आने के बाद हमारी मोनोपोली भी हो जाएगी और हमारा प्रॉफिट भी एड ऑन हो जाएगा इंक्रीज़ हो जाएगा कैपिटल भी इंक्रीज़ प्रॉफिट भी इंक्रीज़ और कस्टमर वो ऑलरेडी आ ही जाएंगे सो कंपटीशन ब्रेक करने के लिए अमल का मिशन होता है फ़र्स्ट रीज़न इंक्रीज़ इन कैपिटल ऑलवेज यस अगर टू और मोर कंपनीज मर्ज पार्टनर्स बन जाएंगे तो क्या हो जाएगा इंक्रीज़ इन कैपिटल कैपिटल भी बढ़ गया इंक्रीज़ इन प्रॉफिट प्रॉफिट भी एड ऑन हो जाएगा जो मैंने फर्स्ट कहा ही था कि इंक्रीज़ इन प्रॉफिट इंक्रीज इन कैपिटल कैपिटल भी बढ़ गया इंक्रीज़ हो गया देन इंक्रीज इन प्रॉफिट प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हो जाएगा और थर्ड फोर्थ रीज़न है न्यू टेक्नोलॉजी यस न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से भी समाइम्स अमल कामिशन होता ही है और यस इंक्रीज़ इन मार्केट शेयर अभी इंक्रीज़ इन मार्केट शेयर मतलब ऐसा है कि सुजू की कंपनी फॉर एग्जांपल सुजू की कंपनी वो हमारी इंडियन कंपनी है ही नहीं वो अदर कंट्री की है बट मारुति मारुति सुजुकी जब भी दो कंपनी एक साथ काम कर रही है मारुति कंपनी की वजह से सुजुकी कंपनी को इंडिया में शेयर मिल गया मार्केट में शेयर मिल गया इंडिया के मार्केट में सुजुकी मारुति सुजुकी अभी दो कंपनीज़ हैं दो अलग अलग कंपनीज हैं अभी मारुति सुजुकी, दोनों एक हो गए अभी इंडिया के मार्केट में दोनों साथ में प्रॉफिट एड ऑन कर रहे हैं दोनों साथ में प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं सो इंक्रीज इन मार्केट शेयर सो अमाल कमीशन ये बेनिफिट देता ही है कि मार्केट में शेयर बढ़ जाता है मिल भी जाता है और बढ़ भी जाता है सो so, नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं अमाल कमीशन अब्जॉर्बशन एंड एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन दोनों में वर्क मतलब तीनों में वर्किंग तो सेम ही होती है बस किसी में कम किसी में ज़्यादा अभी अमाल कमीशन कैसे होता है अगर कोई ए लिमिटेड है ये कंपनी है ठीक है सेकेंड बी लिमिटेड है ये भी अनादर कंपनी है अब ए लिमिटेड और बी लिमिटेड इनके सेम प्रोडक्ट्स से, हैं सेम कस्टमर्स भी हैं तो भी ये दोनों क्या करते हैं एक दूसरे को कॉम्पीट करते हैं और फिर इन दोनों ने सोचा कि एक दूसरे को कॉम्पीट करके क्या फ़ायदा कंपटीशन कर रहे हैं प्रॉफिट भी ठीक से अर्न नहीं हो रहा है लॉस में जा रहे हैं तो इससे अच्छा काम करते हैं हम दोनों शेक हैंड कर लेते हैं और बन जाते हैं ए बी लिमिटेड जो न्यू कंपनी है ये कंपनी क्या हो गई ओल्ड कंपनी ये भी ओल्ड कंपनी और ये है न्यू कंपनी ओके okay. सो so, अभी कि ये दो ओल्ड कंपनीज हैं जो भी डिजोल्व हो जाएंगी क्यों क्योंकि ये दोनों भी एक हो गए हैं इन दोनों का बिजनेस अभी ये ए बी लिमिटेड ने परचेस कर लिया है राइट right? परचेस कर लिया है अभी ये दोनों कंपनीज क्या हो जाएंगी डिजोल्व ये भी डिजोल्व हो जाएगी ये कंपनी भी डिजोल्व हो जाएगी ये भी डिजॉल्व ये भी डिजोल्व ठीक है अब दोनों डिजोल्व होने के बाद याद है हम ट्वेल्थ में ट्वेल्थ कॉमर्स में कैसे डिजोल्यूशन की एंट्रीज पास करते थे रियलाइजेशन अकाउंट बनाते थे फिर आ, कैश और बैंक अकाउंट बनाते थे फिर पार्टनर्स का अलग होता था वैसे यहाँ पे ही यहाँ पर भी वह सेम वर्किंग होती है बट बस बस फर्स्ट मतलब डिफरेंस इतना सा है कि यहाँ पे सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ता है दोनों कंपनीज़ का डिजोल्यूशन होगा दोनों कंपनीज का रियलाइजेशन अकाउंट भी बनेगा ठीक है तो यहाँ पे भी ऐसे हो जाता है और ये जो न्यू कंपनी है ये इन दोनों का बिजनेस परचेज कर लेगी तो ये हो गया अमालगमेशन अब अब्जॉर्प्शन में क्या होता है ए लिमिटेड हो ए लिमिटेड एक कंपनी है जो थोड़ी छोटी कंपनी है और बी लिमिटेड ये थोड़ी बड़ी कंपनी है और मार्केट में इसका गुडविल भी बहुत ज़्यादा है सो बी लिमिटेड कहता है ए लिमिटेड तू तो बहुत छोटी कंप तू छोटी कंपनी है हम तू साथ में आ जा हमारे और हम दोनों मिलकर बिज़नेस स्टार्ट करते हैं बट जो बिजनेस होगा ना वो मेरे नाम से ही चलेगा क्योंकि मार्केट में मेरे मेरा नाम पहले से ही बहुत है तू तो हमारे अंडर आ जा फिर हम दोनों मिलकर बिजनेस करते हैं तो इसमें क्या होगा कि सिर्फ एक ही कंपनी मतलब वन कंपनी डिसॉल्व होगी और वर्किंग सिर्फ रियलाइजेशन की मतलब आ, क्लोजिंग कंपनी की वर्किंग भी सिर्फ एक ही कंपनी होगी बट ये अब्जॉर्ब इसमें की जाएगी मतलब क्या बी कंपनी ने ए लिमिटेड को अब्जॉर्ब कर लिया अंदर अपने खींच लिया है इन सिंपल वर्ड्स अंदर ही खींच लिया है तो ए लिमिटेड को बी लिमिटेड ने अब्ज़ॉर्व कर लिया है तो ये हो गया ऑब्जॉर्बन बट ये अभी ओल्ड कंपनी है ठीक है यहाँ पे भी ए लिमिटेड ये ओल्ड कंपनी है और बी लिमिटेड ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो वो कोई न्यू कंपनी तो हुई नहीं बट बी लिमिटेड बी लिमिटेड जो है वो बिज़नेस परचेस करेगी ए लिमिटेड का ठीक है तो बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड का बिजनेस परचेस कर लिया ये होता है अब्जॉर्बशन मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी बड़ी है मतलब बी लिमिटेड ऑलरेडी एग्जिस्ट है पर मार्केट में इसका गुडविल बहुत ज़्यादा है सो ए लिमिटेड अभी इसमें अब्जॉर्ब हो गया है और न्यू कंपनी फॉर्म नहीं हुई बट बी लिमिटेड और भी मतलब एक्सपैंड हो गया है एक्सपैंड हो गया है और बिज़नेस परचेज बी लिमिटेड एल का ए लिमिटेड का परचेज बिजनेस परचेस कर लेगी ठीक है ये ऑब्जॉपशन है ये अमार है अमार में क्या होता है टू कंपनीज़ रहती है टू ओल्ड कंपनीज रहती है वो आके मतलब न्यू कंपनीज में न्यू कंपनीज में कन्वर्ट हो जाती है दो कंपनीज डिजॉल्व होगी और बन के एक लिमिट और बन के एक कंपनी बनेगी और ये न्यू कंपनी इन दोनों कंपनीज का बिज़नेस परचेज कर लिएगे ठीक है यहाँ पे क्या होता है एक ही कंपनी डिजोल्व होती है और एक ही कंपनी उसका बिज़नेस परचेज कर लेती है अब एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है ए लिमिटेड ये ऑलरेडी मार्केट में है बट जब इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था तब उनके कुछ वर्किंग्स रह गए थे पेपर वर्किंग्स रह गए थे या फिर कुछ मतलब कुछ छूट गया था सो so, अभी ने बिज़नेस चलाने में या फिर बिज़नेस आगे करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि उन कुछ रह गया था इसी वजह से उन्हें अभी बिज़नेस में प्रॉब्लम बहुत सारी हो रही है तो अभी ये लोग क्या करेंगे न्यू कंपनी फॉर्म करेंगे लाइक डबल ए लिमिटेड अगर बिजनेस में कोई छोटे मोटे बदलाव करना है तो एक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता है और अगर कोई बड़ा करना है कुछ बड़ा चेंज लाना है सो वहाँ पे एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन होता है मतलब ए लिमिटेड पहले से थी बट अभी कुछ प्रॉब्लम आई है जो कंपनी के स्टार्टिंग में हमें कंपनी जब स्टार्ट कर रहे थे जब कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी जो प्रॉब्लम्स मतलब कुछ रह गया था इसी वजह से अभी बिजनेस को सर्वाइव करने में प्रॉब्लम हो रही है इसी वजह से अभी डबल ए लिमिटेड ये न्यू कंपनी फॉर्म होगी सबको so, समझ में आ गया अमलगमेशन अब्जॉप्शन एंड एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन यहाँ पे क्या होता है ये ओल्ड कंपनी थी ठीक है अब इस ओल्ड कंपनी का इस इस कंपनी डबल ए लिमिटेड ने इसका बिजनेस परचेज कर लिया है लोग वही है कंपनी भी वही कंपनी वही नहीं है बस लोग वही है और कंपनी नहीं है बस इतना सा डिफरेंस आता है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में ये ओल्ड कंपनी जो अभी डिज़ोल्व हो जाएगी और बनके न्यू कंपनी मार्केट में आएगी वो है डबल ए लिमिटेड लोग वही हैं बट कंपनी नहीं सो so, आपको समझ में आ गया अमालगमेशन अब्जॉर्बशन एंड एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन अमालगमेशन में क्या होता है दो कंपनीज डिजॉल्व होती हैं न्यू कंपनी एक न्यू कंपनी फॉर्म होती है ऑब्जॉर्प्शन uh, uh, में एक कंपनी डिजॉल्व होती है और दूसरे में कन्वर्ट और ऑब्जॉर्व uh, हो जाती है दूसरी कंपनी उसका बिजनेस परचेस कर लेती है एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन में क्या होता है एक ही कंपनी रहती है वो डिसॉल्व होती है और वही कंपनी नई कंपनी बन के मार्केट में आती है सो so, ये एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन हो गया समझ में आ गया आपको अगर कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं मैं सबका रिप्लाई करूँगी सो so, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में